जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज बात करने आई हूँ मैं आपसे सावन के महीने में पढ़ने वाले उस अनोखे चमत्कारी व्रत के बारे में, जो कि एक सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखता है। सावन के महीने कि अगर हम बात करें या सावन का नाम हम सोचे, तो सोचते ही मन में एक खुशहाली सी आने लगती है, क्योंकि सबसे पहले तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगती है हमको। इसके अलावा सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों ही भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जब भी सावन का महीना और सोमवार दोनों एक साथ हो, तो सावन सोमवार का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से बहुत जल्द ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शिवजी तो हैं ही भोले भंडारी। वो थोड़ी सी ही पूजा में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न होकर वो अपने भक्तों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं, उनके सभी कष्टों को हरने का काम करते हैं। लेकिन सावन का मंगलवार, जिसकी मैं आपसे बात करने आई हूँ, माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित है, मंगल नीच का है या अशुभ है, या फिर यूं कहिए कि जो मांगलिक है, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कष्ट है, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही है, या जिनकी डिवोर्स तक की स्थिति आ गई है, जीवन साथी के और अपने रिश्तों में अलगाव की स्थिति बनी हुई है, तो उनको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। सावन के मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा करती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, माँ गौरी, मंगला गौरी यानी कि माँ गौरी, माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है, क्योंकि सोमवार शिव जी का और मंगलवार माता पार्वती का। ये व्रत सावन के मंगलवार को रखा जाता है। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार ये व्रत रखने से सुखों में वृद्धि होती है। इस दिन देवी पार्वती की गौरा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती सुहाग और गृहस्थ सुख को, दोनों ही सुख को हमें बढ़ाने का काम करती हैं। माता पार्वती सुहाग गृहस्थ, इन्हीं सुखों को बढ़ाकर हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाती हैं। इस व्रत से हमें अच्छा वर की प्राप्ति भी होती है। जिन लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही है, जिन कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही है, वो ये व्रत रखकर अच्छे वर की भी प्राप्ति कर सकती है। आइए सबसे पहले तो मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक सेठ था। उसके पास धन दौलत वैभव ऐश्वर्य किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, और इसी कारण वो बहुत चिंतित और दुखी रहता था। लेकिन कुछ समय बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन उस पुत्र को 16 वर्ष की अवस्था में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप प्राप्त था। सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे की शादी 16 वर्ष की आयु से पहले ही करा दी, लेकिन जिस युवती से उसकी शादी हुई थी, उस युवती की माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी। उन्होंने माता गौरी से अपनी बेटी के सुखी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता गौरी के आशीर्वाद से नवविवाहित लड़की कभी विधवा नहीं हो सकती, ऐसा आशीर्वाद माता गौरी ने नवविवाहित की माता को दिया। सास के आशीर्वाद से धर्मपाल के लड़के की आयु 100 साल हो गई। इस कारण सुहागिने मंगला गौरी का व्रत रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं। इस व्रत को रखने से सुहागिनों का अखंड सौभाग्यवती होने तथा पति की लंबी आयु होने, संपन्न जीवन तथा वैवाहिक
सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। कथा सुनना बहुत जरूरी होता है, इस दिन कथा सुनिए, साथ में बैठ के सुनाइए। जैसे कि करवा चौथ की कथा हम साथ में बैठ के सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन करवा चौथ में हमें थाली घुमानी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है, लेकिन आपको बैठ के कथा जरूर पढ़नी होती है। तो आइए अब जानते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या है। देखिए, ये माँ मंगला गौरी का व्रत सावन के 4 मंगलवार रखा जाएगा, जिसमें कि अगर मैं आपको तारीखें बताऊं तो शुरुआत में सबसे पहला जो व्रत होगा वो होगा 27 जुलाई को, उसके बाद दूसरा व्रत पड़ेगा 3 अगस्त को, तीसरा 10 अगस्त को, और चौथा यानी कि अंतिम व्रत रहेगा आपका 17 अगस्त को। लेकिन इसको रखने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आप जैसे हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं ना सावन में, आप उस तरीके से इस व्रत को नहीं रख सकती हैं। अगर आप इस व्रत को रखना शुरू करना चाहती हैं तो आपको नियम लेना होगा, संकल्प लेना होगा आपको कि मैं माता मंगला गौरी को पहले आप एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उनको आसन दीजिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इस व्रत को रखने का नियम क्या है, इसके बाद दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को किस तरह रखा जाता है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसीलिए आपके टाइम का ध्यान रखते हुए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो नियम क्या है, नियम के लिए देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस दिन आप पहले दिन माता मंगला गौरी को स्थापित करके आप जब पूजा अपनी शुरू करेंगी पहले मंगलवार को, तो आपको संकल्प लेना होता है, सीधे हाथ में पुष्प चावल और इसके साथ में पैसे 11 रुपये 51 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वो पैसे रखकर आपको संकल्प लेना होता है कि मैं 5 साल लगातार सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत रखूंगी, या फिर 7 साल लगातार, क्योंकि इसकी जो क्रम होते हैं वो इस तरह होते हैं, 5 साल 7 साल 11 साल 21 साल, तो ये सालों में रखा जाता है क्योंकि साल में एक बार ही सावन आता है ना, इसलिए। तो अगर आप इस व्रत को रखना चाहती हैं तो आप इस बात को भी जान लीजिए कि आपको कम से कम 5 साल तो इसको लगातार रखना आवश्यक है। किसी कारणवश अगर आपका बीच में ये व्रत छूट जाता है या रह जाता है तो ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। तो आप अपने घर की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आजकल हम जॉइंट फैमिली में कम रहते हैं, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, वर्किंग वुमेन्स हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 5 साल लगातार, मैं आपको कहूंगी कि 7, 11, 21 का प्रण और निश्चय ना लेकर आप संकल्प करिए 5 साल का, 5 साल का संकल्प करके आप इस व्रत को रखना शुरू करिए। और ये संकल्प आपको जो पहला मंगलवार होगा आपको उसी दिन करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि सावन के मंगलवार वो कौन सी तारीख है जब आपको माँ मंगला गौरी का व्रत रखना है। तो अगर आपके मन में आ रहा है व्रत रखना है तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपने व्रत इसी तरह रखना है, संकल्प लेके रखना है, 5 साल का संकल्प लेकर ही रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को किस तरह रखना है, कैसे रखना है। जय माता दी।